आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। उपराजधानी दुमका में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक शिक्षक के घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा बरामद की है। प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल नशे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे उसका नाम ले रहे हैं। खूब सूचना मिली हुई थी कि हरना कुंडी स्थित एक आवास में है दवा, प्रतिबंधित दवा रखा हुआ है और उसको हम लोग बरामद किए हैं। थाना प्रभारी के साथ में हमारी पूरी टीम है और उसी के आलोक में हम लोग अभी केस दर्ज करेंगे और जो भी संलिप्त लोग होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना बरामद हुआ है अभी तक जो सामने में है? अभी तो इसका आकलन करना मुश्किल है, लेकिन भारी मात्रा में मिला हुआ है। और पहले भी हम लोग केस कर चुके हैं इस संबंध में, जो भी लोगों ने उनको जेल भी भेजा गया है और अभी नया खेप मिला हुआ है। इसको हम लोग जांच करेंगे, जो भी लोग होंगे उनके कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार कांग्रेस के गिरफ्त में दुमका, लगातार हम लोग इसमें नज़र रखे हुए हैं और जहां भी जानकारी मिलती है उसको हम लोग छापेमारी करके बरामद करते हैं और संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई भी होती है और आगे भी हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। और लगातार हम लोग प्रयास है कि इस तरह का जो भी प्रतिबंधित दवा को लोग नशे के रूप में यूज करते हैं उसको हम लोग दुमका मुक्त। किसके घर से ये बरामद हुआ? ये राजेश राय हैं, वो स्पोर्ट टीचर हैं, किन्हे का आवास से हैं, लेकिन किन्हे का खेप रखा हुआ है। अभी जांच में बहुत निकल गया है। घर है राजेश राय जी? राजेश राय नहीं, प्राइवेट स्पोर्ट टीचर। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।